गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट एट वीडियो चैप्टर का पार्ट एट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 पे है। कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी भुजा ए बी पर लंब हो तो साबित करना है टेन ए प्लस टू टेन बी बराबर जीरो। चलिए तो इसका एक फिगर हम लोग पहले बना लेते हैं। चलिए आप एक त्रिभुज की पहले रचना कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप हम यहाँ त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये त्रिभुज बन गया। अब एक माध्यिका लेनी है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या दिया है, किस तरह से कि ए बी सी त्रिभुज है ना, तो हम यहाँ पे इसको नाम ए दे देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं और यहाँ पे सी दे देते हैं, देख लीजिए। और ये ए डी, तो यहाँ ए डी जो है माध्यिका है, देख लीजिए इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है, माध्यिका ये ना करता है। और यहाँ देखिए ये हम लंब भी दिखा दिए हैं, ए डी जो है लंब है ए बी पर, तो इस तरह से ये फिगर बनेगा। तो चलिए यहाँ पे इसको बनाते हैं। ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, ए बी सी की माध्यिका है, ठीक है, ये माध्यिका है। अच्छा जब माध्यिका है तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये जो बी डी है ना बराबर हो जाएगा सी डी के, हो जाएगा ना बी डी बराबर सी डी। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं, हम लोग लेते हैं साइन बी, ठीक है, ये एंगल लेंगे तो साइन बी बराबर ये पी हो जाएगा और ये वाला एच हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका ए डी और बटा में बी डी होगा। अर्थात यहां से आप कहेंगे AD का वैल्यू जो है सर वो हो जाएगा BD साइन B, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग त्रिभुज दूसरे बार में लेते हैं ADC में, ठीक है ADC इसमें, अच्छा यह कोण क्या होगा, तो ये कोण जो है ना हम कह सकते हैं इसको A माइनस 90, देख लीजिए टोटल तो A है ना और A में से ये 90 घटेगा तब ना ये वाला होगा। चलिए तो हम अगर इस उस एंगल को ले, ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या लेते हैं, तो इस एंगल को लेते हैं और एक लेके चलते हैं हम लोग ये वाला एंगल, तो हम लोग त्रिभुज में लेके चलेंगे ना, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर आप भुजा ये वाला लिए सी डी, ठीक है सी डी लिए, तो सी डी के साथ उसके संगत कोण कौन होगा, ये वाला, यानी कि साइन ए माइनस 90, ठीक है। अगर इसमें अब ये वाले कोण के संगत भुजा ये लेंगे यानी कि ए डी, तो बट्टा में क्या होगा साइन सी, आप पढ़े हैं ना कि ए बट्टा साइन ए, बी बट्टा साइन बी और सी बट्टा साइन सी बराबर होता है, तो उसी तरह से ये भुजा बट्टा ये एंगल, ये भुजा बट्टा ये एंगल बराबर होगा ना साइन वाला, आपको पहले फॉर्मूला पता है। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि हम सी डी की जगह पे, सी डी की जगह पे बी डी लिख दे। चलिए और यहां पे इसको माइनस साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब ए डी, ए डी की जगह ये लिख दीजिए बी डी साइन बी और बटा में साइन सी, समझ गया ना, ये बी डी और बी डी काट दें तो ऊपर तो वन बच गया ना, तो वन और बटा में नीचे हो जाएगा आपका क्या माइनस का कॉस ए होगा ना और बराबर में साइन बी और नीचे है साइन सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहां से, तो यहां आ जाएगा साइन सी बराबर माइनस का कॉस ए साइन बी, इसको इधर लेके आते हैं साइन सी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर में जीरो। एक काम करिए इस साइन सी को चेंज करिए, तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी, ठीक है, आप प्लस कॉस ए साइन बी बराबर जीरो। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होगा यानी साइन ए प्लस बी ही आएगा, समझ गए ना, और प्लस में कॉस ए साइन बी। अब देखिए ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, इसको यहां लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही ना इसका फॉर्मूला होगा, और इसको यहां लिख दीजिए कॉस ए
साइन बी। तो देखिए ये दो बार हो जा रहा ना, तो इसको इसको जोड़ लेंगे। तो पहले लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस टू कॉस ए साइन बी। अब क्या करेंगे, यहाँ भाग करेंगे कॉस ए कॉस बी से, कॉस ए कॉस बी, क्योंकि टेन में लाना है ना, भाग देने पर, भाग देने पर। चलिए तो यहाँ है आपका साइन ए कॉस बी बटा में कॉस ए कॉस बी प्लस टू कॉस ए साइन बी बटा में कॉस ए कॉस बी बराबर जीरो। में भाग करेंगे तो जीरो ही आएगा, छोड़ दीजिए उसको। यहाँ ये कट गया, यहाँ ये कट गया, साइन बटा कॉस टेन ए हो गया और प्लस टू टेन बी आ गया और बराबर में जीरो। यही ना आपको प्रूफ करना था, हो गया कि नहीं प्रूफ। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए सारा फॉर्मूला सारा आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। ये अगला क्वेश्चन